शुष्क धूप से बचने के लिए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज सही। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो मौसम विभाग से जुड़ी खबर है। अभी हमने बुलंदशहर मौसम विभाग के अधिकारी रामानंद पटेल से जानकारी करी। उन्होंने बताया कि लगभग एक सप्ताह तक 20 से 22 तारीख तक मौसम खराब होने की संभावना है। इन दिनों मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने किसानों को भी चेतावनी दी है कि वो जो अपनी फसल जो तैयार फसल है उसमें सुबह शाम पानी लगाए, ना कि दोपहर में पानी लगाए, जिससे कि उनकी मौसम की उनकी जो फसल है वो बचा जा सके। ऐसे ही उन्होंने पशु जो बांधते हैं खुले में बांध देते हैं और ऐसी हवा बांधते हैं कि सीधी हवा उनको लगती है, इससे उनका भी नुकसान हो सकता है, पशुओं में भी नुकसान हो सकता है, बीमारी फैल सकती है। इसलिए उनको भी ऐसी जगह बांधा जाए जिससे कि हवा पीछे या साइड से मिल रही है। और क्या कहना है मौसम विभाग के अधिकारी रामानंद पटेल साहब का, सुनिए मेरे साथ। सर, आने वाले एक हफ्ते में जनपद बुलंदशहर का कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, जनरली जो अभी 21 तारीख तक अगर हम बात करें, 21 मई तक, तो इसमें वर्षा की अभी कोई संभावना नहीं है। इस दौरान थोड़ा तापमान में अधिकतम में बढ़ोतरी हुई है, 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। इस दौरान सापेक्षिक आर्द्रता जो है दोपहर के समय हम लोग जो बोलते हैं वो 21 से 28 प्रतिशत के बीच रहेगी और जो सुबह के समय हम बोलते हैं वो 37 से 50 प्रतिशत के बीच रह सकती है। हवा की गति जो है अलग अलग दिनों में अगर बात की जाए तो 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा जो है की रफ्तार से चलने की संभावना है। 19 तारीख तक यानी 19 मई 2023 तक थोड़ी सी बदली रहने की भी संभावना बनी हुई है। जो अभी बादल की स्थिति बन रही है या कुछ जिलों में या कुछ राज्यों में बारिश की स्थिति है वो अंडमान और निकोबार में जो चक्रवाती तूफान है उसके कारण से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अपने बुलंदशहर जिला पे ऐसा नहीं स्थिति नहीं बनी है। अपने जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है तो इस कारण से एक छोटा सा ये संदेश है किसानों के लिए कि अगर अपनी नर्सरी में या किसी भी अन्य खड़ी फसलों में सिंचाई करें तो प्रयास करें सुबह या शाम के समय ही सिंचाई करें, क्योंकि अगर पानी लगाते हैं दिन में दोपहर में तो ज़्यादा तापमान और कम ह्यूमिडिटी होने के कारण वो पानी गर्म हो जाता है और कहीं ना कहीं पौधों में रोग व्याधि उत्पन्न करता है। पशुओं के लिए ये है कि जो छाए स्थान पे बांधें और सीधी हवा उसको न लगने दें। किसानों के लिए जनरली है जब भी बाहर निकलें तो सर पे गमछा टोपी या कोई भी कपड़े का टुकड़ा हो ढक करके चलें, क्योंकि आर्द्रता बहुत कम है। धूप से बचने के लिए धूप से बचने के लिए